पर आप देख सकते हो, मतलब इसको एक महीना 10 दिन हो गए है, तो आप देख सकते हो इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट। और स्टार्टिंग से देख सकते हो किसान साथियों, जो बरसी में किस तरह से आए, कम से कम 1.25 फुट इसका हाइट भी हो गया है। यहाँ से आज के इस वीडियो में हमने देखा है किसान साथियों, यहाँ पर जई हमने बोई है, जई भी किस तरह से आई है। यहाँ पर आप बरसीम देख सकते हो किसान साथियों, बरसीम भी बहुत अच्छी हमारे पास आई है। यहाँ पर अमेरिकन राईग्रास वो भी बहुत अच्छी आई है। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। यश गोट फार्म एंड सीड्स इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो मैं इस घास में खड़ा हूँ, ये जई घास है, इसे ओट भी बोला जाता है। और पिछले वीडियो में हमने जई और बरसीम की बुआई की थी किसान साथियों। तो आपको पता है जो भी मैं करता रहता हूँ खेती के बारे में, वो पूरा प्रैक्टिकल रूप में करता हूँ। जो भी चीजें है मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो हमने जो जई की बुआई की थी, बरसीम की बुआई की थी, वो बुआई करने के बाद किस तरह से वो दिखता है, किस तरह से बढ़ गया है, कितने दिनों में बढ़ा है, इसका जर्मिनेशन कैसा हुआ है, ये सारे बातें मैं आपको यहाँ पर लाइव तरीके पर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम यहाँ पर बात करेंगे जई की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका बुआई हमने 9 तारीख को किया था, और इसका वीडियो मैंने 21 तारीख को छोड़ा था। वो वीडियो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि आपके पूरे बातें समझ में आ जाएगी कि हमने इसे किस तरह से बोया था, किस तरह से लगाया था। क्योंकि बहुत सारे किसानों के सवाल रहते हैं कि बरसीम हम इस तरह से बोते हैं, जई हम इस तरह से बोते हैं, आप किस तरह से बो रहे हो, ऐसा वगैरह। तो आपको मैं उसका रिजल्ट भी दिखाई देने वाला हूँ यहाँ पर, कि ये किस तरह से यहाँ पर इसका जर्मिनेशन हुआ है, और पूरा 100% जो हम यहाँ पर लगाया है वो किस तरह से आया है। बहुत सारे किसानों का बोने के बाद, एग्जांपल यहाँ से हमने पानी भरा था, और पानी भरने से यहाँ से पूरा पानी के बहाव से बह जाता है। तो किसान साथियों, आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो एकदम लाइव में, यहाँ से हमने इसको पानी छोड़ते है पूरा पूरा, यहाँ से आप देख सकते हो 0% यहाँ पर वेस्टेज है, मतलब 100% यहाँ पर हमारा जो जई है किसान साथियों, जई यहाँ पर पूरा जमीन से यहाँ पर निकलता हुआ, और इसका ग्रोथ भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब इसको 1 महीना 10 दिन हो गए है, तो आप देख सकते हो इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, और इसका फर्स्ट कटाव आपको 1.5 महीने में मिल जाएगा, और सेकंड कटाव आप इसका 1 महीने में और 1 महीने के अंदर भी ले सकते हो। तो इस तरह से इसका जर्मिनेशन होता है बोने से पहले। और जो बहुत सारे किसानों के सवाल थे कि बरसीम भी हम किस तरह से बोते हैं, किस तरह से लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो प्लॉट है हमारा, यहाँ पर बरसीम का प्लॉट है। तो जो बरसीम और जई हमने बोई थी, तो आप देख सकते हो पूरा 100% यहाँ से आप देख सकते हो स्टार्टिंग से देख सकते हो किसान साथियों, जो बरसी में किस तरह से आए, कम से कम 1.25 फुट इसका हाइट भी हो गया है। यहाँ से हम इसको पानी देते हैं, पानी के बहाव से 0% यहाँ पर बरसीम भी हमारा वेस्टेज हो गया है। कुछ आप पूरे यहाँ पर देख सकते हो साथियों, देख सकते हो यहाँ से पूरा जो हमने जो पट्टी थी, पट्टी के अंदर से जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये किस तरह से बरसीम यहाँ पर दिखता है आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बरसीम, और यहाँ पर जो हमारा पट्टी है, ये पट्टी का लास्ट एरिया है, मतलब लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आप यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर घने स्वरूप पर यहाँ पर हमारा बरसीम है। और बरसीम का जो हाइट है किसान साथियों, यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1 फीट के आसपास हमारे बरसीम का हाइट भी हो गया है, और पूरा 100% जर्मिनेशन। इसलिए किसान साथियों, मैं हर वीडियो में आपको बताने का प्रयास करता रहता हूँ कि जो हम कौन सा भी चारा बीज, चारा फसल बोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, उसको पानी का व्यवस्थापन किस तरह से करना चाहिए, जो भी सारी जानकारी रहती है किसान साथियों, वो जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम एकदम प्रैक्टिकल स्वरूप पर देता रहता हूँ। किसान साथियों, अक्सर क्या होता है, जब भी हम किसी चारे के बारे में, किसी बीज के बारे में
YouTube पर जानकारी प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे किसानों को YouTube पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये फेक होता है, ये सत्य नहीं होता है। तो किसान साथियों, आप मेरे पूरे वीडियो जाकर देख सकते हो, मैं पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर करता हूँ। जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जई और बरसीम दिखा रहा हूँ, तो ये जई और बरसीम मैंने किस तरह से बोई है, इसे क्या क्या किया है मैंने, इसे क्या क्या समस्या है, इसे किस तरह से मैंने सारी बातें की है, ये लाइव आप ये इसका बोने का वीडियो भी देख सकते हो। और ऐसा नहीं होता है किसान साथियों, पूरा ये बोने से लेकर पूरा कटिंग होने तक टाइम टू टाइम, मतलब इस पर कौन सा दवाई छिड़काना पड़ती है, इसको कौन सा खाद डालना है, इसके संबंधित किसान साथियों जो भी आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उस दिक्कतों के बारे में मैं पूरा लाइव तकनीक पर यहाँ पर वीडियो बनाने का काम करता हूँ। तो देख सकते हो जई बोने के बाद हमारा जई किस तरह से 100% यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया है। क्योंकि किसान साथियों, आपके सवाल होते हैं, आपके प्रश्न होते हैं कि आप इधर उधर किधर आप कुछ बातें देखते हो, आपको कुछ बहुत सारे कॉल भी हमारे पास आते हैं कि हमने किसी को कॉल किया था, बरसीम इस तरह से बोनी है, पहले पानी छोड़ना है, फिर ऊपर से छिड़कना है, तो मैंने बरसीम किस तरह से बोई थी, किस तरह से लगाई थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। और उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है, उसके बाद हमें क्या फायदा हुआ है, हमारे पास मतलब कि हमारा कोई नुकसान हुआ है क्या, 100% जर्मिनेशन किस तरह से हुआ है, ये जो पूरी बातें है, ये जो पूरे प्लॉट है किस तरह से यहाँ पर सक्सेसफुल है, इसके पीछे जो कारण होते हैं किसान साथियों, वो कारण मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अमेरिकन राई ग्रास है किसान साथियों, ये राई ग्रास भी यहाँ पर हमारा कटिंग चालू है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर राई ग्रास का जो अमेरिकन राई ग्रास है किसान साथियों, अमेरिकन राई ग्रास की कटिंग भी यहाँ पर चालू है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो इसका नेक्स्ट कटाव भी हमारे पास किस तरह से आया है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कटाव हो गया है, कटाव होने के बाद फिर से ये आधा फीट के करीब यहाँ पर हो गया है, मतलब कि 20-25 दिन में जमीन के जमीन और वातावरण के अनुसार इसका कटाव मतलब लंबा हो सकता है या जल्दी हो सकता है। ये बातें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये वातावरण के ऊपर डिपेंड होती है कि इसका कटाव हमें कब मिलेगा। इसका जो कटाव का टाइमिंग होता है किसान साथियों, 25-30 दिन का है, इसमें कटाव आपका होने ही होने वाला है। सिर्फ कुछ बातें कभी कभी क्या होता है, कम ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो जो अमेरिकन राई ग्रास है वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बरसीम भी हो गया किसान साथियों, आप देख सकते हो बरसीम भी हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छा मौजूद हो गया है। ये सभी वीडियो बनाने का कारण किसान साथियों, क्योंकि आप लोगों के सवाल रहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कब बनाओगे, जो बरसीम आपने बोई थी, जो बरसीम आपने लगाई थी, वो बरसीम किस तरह से आई है। बहुत सारे कोई कोई किसान लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बताते हैं आप सिर्फ मतलब ये डालते हो और बाद में कुछ वीडियो भी बनाते नहीं हो, आप सिर्फ दिखावे के लिए करते हो। तो ऐसा हमारे पास कभी भी होता नहीं है किसान साथियों, आप हमारे पूरे पीछे जाकर वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी बातें लाइव में यहाँ पर देखने को मिलती जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है किसान साथियों, यहाँ पर जई हमने बोई है, जई भी किस तरह से आई है, यहाँ पर आप बरसीम देख सकते हो किसान साथियों, बरसीम भी बहुत अच्छी हमारे पास आई है, यहाँ पर अमेरिकन राई ग्रास वो भी बहुत अच्छी आई है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपके प्रश्न होंगे, बहुत सारे किसानों के दिमाग में यह बातें चलती होगी कि दूसरा तीसरा पानी हम इसे कब देंगे, फिर इसको हम दूसरा खाद कब डालेंगे, ये कितने दिन चलता है, इसे कट कैसे करना है, इसे काटना कैसा है, नेक्स्ट जो कटाव होता है किसान साथियों, नेक्स्ट कटाव हमें कब मिलेगा, जो आपके प्रश्न है किसान साथियों, जो आपके सवाल थे, कि ये पूरे सवाल के ऊपर अगला वीडियो लेकर हम जल्दी से जल्दी आएंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो जई होता है, बरसीम होता है, जो राई ग्रास होता है, इसके कटाव हम किस तरह से करते हैं, इसके कटाव हम कैसे करेंगे, और नेक्स्ट कटाव हमें कितने दिन में मिलेगा, ये भी सारे बातें हम लाइव में देखेंगे। तक के लिए किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर ही रुकते हैं, जल्दी से जल्दी हम अगला नया वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।